नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां कुर्बानी के लिए लाया गया पार्षद का बकरा हुआ चोरी, पुलिस के लिए बना सिरदर्द। एक जमाना था जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की भैंस रामपुर में चोरी हो गई थी, जिसे रातोंरात पुलिस ने बरामद कर लिया था। वही आज विजयनगर इलाके में पार्षद हाजी आसिफ के बकरे को कोई चोरी करके ले गया। पार्षद ने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन 48 घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस बकरे का पता नहीं लगा पाई है। यह बकरा कुर्बानी के लिए लाया गया था। बकरे चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पार्षद का कहना है कि गाजियाबाद में बदमाश लगातार प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। शहर में आम आदमी तो दूर, अब जानवर भी सुरक्षित नहीं है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। हम लोग हर साल करते हैं, तो कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए। कंप्लेंट किया आपने? आज करीब ऐसा हुआ कि 2:45 बजे दोपहर में मेरे ऑफिस पे बकरे बंधे हुए थे और दो लड़के आए बाइक पे और बाकायदा वो मेरे सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं और उन्होंने बाइक खड़ी करी और बड़े इत्मीनान से बकरे की रस्सी तोड़ करके और मोटरसाइकिल पे और अपना ले गए। अब मैंने जो है कंप्लेंट करी थाना विजयनगर में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि बताइए दिन दहाड़े चोरी हो रही है, यानी कि वो तो इतना ज़बरदस्त तरीके से इतना चोरों में हौसला है कि किसी से डर ही नहीं रहे। तो ये बहुत दुख की बात है कि अगर इस तरीके से होगा तो कैसे उत्तर प्रदेश चलेगा। ये उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज है और इसमें कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग जो है कल आदरणीय कप्तान साहब से मिलेंगे, क्योंकि बकरा भी चोरी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें बड़ा दुख है कि हमारा बकरा जो है चोरी हुआ और वो अरेस्ट होने चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज में है, उसकी कंप्लेंट हम कर चुके हैं।